हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। गाइस, मैं आज ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड का बर्थडे है आज, तो मैं सोची ब्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से यूट्यूब पे वीडियो भी नहीं जा रहा था। 1 वीक हो गए थे। मैं इस बीच में इंस्टा पे अपडेट डाल रही थी मैं, कि मैं वहाँ गाँव गई थी, बिहार गई थी। मेरे हस्बैंड के भाई है, उनका जो बेटा है उसका मुंडन था, और एक और में उनकी शादी थी। तो मैं और मेरा बेटा दोनों गए थे साथ में। और उधर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं और मेरा बेटा पहली बार अकेले गए थे, और सारा सामान रखना, बच्चे को संभालना, ऐसे तो मैं कैमरा नहीं उठा पा रही थी। हाथ में सामान हो जा रहे थे, कहीं आओ जाओ तो हो ही जाता है, और अपने घर से आ जा रहे हैं तो यहाँ से भी ले जाना होता है और उधर से भी लाना, तो इस वजह से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई। तो सोची आज मैं करती हूँ। और कल मैं रात को आई थी, 9 बजे, 8:45 हो गए थे, 4 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन आते आते सामान वामान लेते लेते लेट हो गया था फिर एयरपोर्ट से आते आते। और फिर रात में हम केक तो ले आए थे, मंगवा लिए थे, लेकिन मैं इतनी थक गई थी, मैं वहाँ बिहार रहती नहीं, और वहाँ मतलब टाइम से उठना सोना सब कुछ होता है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं कितना काम करके आई हूँ, कितनी थकावट हो गई, जबकि मैं काम एक भी नहीं की हूँ ऐसा, यहाँ तक कि खाना भी नहीं लेके खाई हूँ फिर भी। तो देख रहे हो शकल की क्या हालत हो गई, पूरे में दाने दाने से हो गए, क्योंकि दिल्ली में यहाँ बंद बंद में रहते हैं, वहाँ पे तो सब कुछ ओपन है तो अच्छा लगता है, लेकिन मुझे जाके काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है माइंड को भी, और अच्छा लग रहा है। सबसे मिली, मैं मम्मी से भी मिली, कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई मैं। मेरा मन हो रहा था कि मैं अपनी मम्मी से मिल रही हूँ, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग को दिखाऊँ, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगी जल्दी ही। कोई फ़ोटो वोटो भी नहीं लिए। अब अभी सुबह उठी हूँ, आज लेट से ही उठी हूँ, तो नाश्ता वास्ता कर ली हूँ, और उसके बाद बेटे को भी करवाती हूँ। अब सोच रही हूँ उनके लिए कुछ गिफ्ट लाना है, एकदम माइंड ही नहीं काम करता है। बिहार गई थी, बिल्कुल माइंड उस तरफ हो गया है, तो क्या ले अभी देखती हूँ पहले। तो चलते हैं अभी मॉल, कुछ गिफ्ट लेके आते, उसके बाद शाम को कैसे क्या सेलिब्रेट करती हूँ हस्बैंड के लिए, आप लोग देखना ज़रूर। और पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना मेरे चैनल को। सब्सक्राइब जब भी करना आप लोग, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलो मिलते हैं, अभी मैं तैयार होंगी। ये मैं रात में जो पहन के आई थी वही पहन रखी हूँ वहाँ से, तो मैं कपड़े चेंज करती हूँ नॉर्मल ही, उसके बाद जाती हूँ मॉल, उनके लिए कुछ लेके आती हूँ पतिदेव के लिए। सो गाइज, ये 12 बजे रात की वीडियो है, इसमें ये भी सो गए थे, फिर मैं उठाई और केक कट करवाने के लिए मैं भी जगी हुई थी, नहीं तो मुझे भी बहुत तेज़ के नींद आ रही थी। और ये भी देख रहे हो आप, बिल्कुल सोए सोए शक्ल लग रहा है। तो रात को मैं बहुत कुछ करती थी, बट इस साल इतना नहीं हो पाया, क्योंकि मैं आई ही थी उस टाइम, जितना हो पाया उतना मैं की। तैयार हो गए पतिदेव, अब चल रहे हैं मॉल। गाइज, मैं ये मॉल गई थी जहाँ पे उसके बाहर का व्यू है, काफ़ी अच्छे फ्लावर्स सब सजाए हुए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं छोटी सी क्लिप ले ली, बट अंदर में जो क्या शॉपिंग की है, क्या लिए, कुछ नहीं सूट कर पाई, क्योंकि इतना मतलब जल्दी जाना होता है, 12 बजे आते हैं ये, 2 बजे जाना होता है इसी बीच में, और एक शोरूम में तो पसंद आनी नहीं है, उसमें चलो उसमें चलो, तो 2-3 घूमे तो इस चक्कर कुछ सूट नहीं कर पाई। तो जो था वो आप लोग के साथ शेयर की। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जो इंस्टीट्यूट है उस पर ये स्टूडेंट लोग हैं, पुराने स्टूडेंट सब जो पढ़ती थी वही सब आई हुई थी यहाँ पे केक कट करवाने के लिए। बहुत जगह पे ये करते हैं, लेकिन मुझे हर जगह का वीडियो ही खुद तो शूट करके लाए नहीं, मैं वहाँ पर गई नहीं तो उतना नहीं डाली हूँ। बस यहाँ पर जो स्टूडेंट सब थे वो मेरे व्हाट्सएप पर है, तो वही लोग कॉल करके मुझे बुलाए कि भाभी आप भी आ जाओ, तो मैं गई उस टाइम, तो उसका छोटा सा क्लिप है। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट सब है, क्योंकि पढ़ने के बाद कौन याद रखता है टीचर को, बट ये लोग हर साल आते हैं, बनाते हैं,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पर्सनली उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। करना चाहिए ऐसा टीचर को, क्योंकि टीचर तो एक ऐसे इंसान है जो खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी करते हैं कैंडल की तरह, तो समझने वाले स्टूडेंट समझते हैं, बाकी सारे प्यारे स्टूडेंट हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तभी तो समझ पा रहे हैं एंड आते हैं जाने के बाद भी। एंड यहाँ पे सब इनको घेर के पूरे में केक लगा रहे थे, खिला रहे थे बहुत सारा, मैं उस साइड हो गई थी क्योंकि फेस पे लगा रहे। ये लड़का स्टील के गिलास में पी रहा है कोल्ड ड्रिंक, चाय पीते हुए ये कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कॉफी बना लेते हैं, कॉफी स्टील का गिलास है। वे दिख रहे हैं, क्या करें। घर में कपड़ा नहीं ढंगता है तो क्या शक्ल मेरी लग रही है, पता नहीं क्या, थोड़ी सी तैयार हो जा रही है। मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं वीडियो बना रही हूँ। जाइए जाइए, सबसे चुन्नू बेचारा लेट के देगा। आप से सवाल लेंगे। आप खिलाइए।
गाइस बर्थडे तो मन गया है आज घर पे ही मना, और मैं ऐसे ही रही क्योंकि मुझे ऐसा ठंड लग के फीवर आ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, ये फीवर से ही होता है, अंदर अंदर फीवर था और ये भी थका थका सा लग रहा था, तो घर पे ही मनाए और ऐसे ही मैं रही। अब तैयार तो होती हूँ, डेली दिखाती हूँ आप लोग को, तो ऐसे ही रही। तो जैसे तैसे हुआ, मेरा भाई खाना वाना बना दिया घर में ही, केक वेक कट कर लिए, तो सब खाना खा के, इनके दो फ्रेंड आए थे वही सब खाना खा के चले गए, और मैं माँ बेटा बैठी हूँ यहाँ पे। कुछ बोलना है किसी को? अच्छा, अब जा रही हूँ, पेट भर गया खा कर इसका पेट भर गया, मेरा भी पेट भर गया, मैं भी खा ली हूँ। तो अब जा रही हूँ सोने, तो इसलिए सोची वीडियो का एंड कर देती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय 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 बाय।